नमस्कार दोस्तों, स्टेशन दिल्ली के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हाल ही में देखा गया, मोदी जी अभी संयुक्त राष्ट्र महासम्मेलन से लौटे हैं, लेकिन एक नई चीज़ हमारे सामने आई है कि हमारे देश के, कहा जाता है, दो दुश्मन हुआ करते थे, चीन और पाकिस्तान, जो हमेशा हमारा समर्थन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं करते हैं। दोस्तों, इस बार एक नई चीज़ हमारे देश के सामने आई है। इस बार पाकिस्तान ने जिस तरह से इस्लाम का मुद्दा उठाया, इस्लामिक कट्टरवाद को उठाया, और उसको देखते हुए जिस तरह से मलेशिया और तुर्की ने भी इसका समर्थन किया, और कश्मीर मुद्दे पर उन्होंने पाकिस्तान के जो उनका वक्तव्य था उसको हामी भरते दिखाई दिए, दोनों ही वहाँ के राष्ट्रपति, तो इसी बारे में हम बात करेंगे। आज हमारे बीच नंदकिशोर गर्ग जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, मौजूद हैं। आइए बात करते हैं इसी मुद्दे पर डॉक्टर नंदकिशोर जी से, और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। कि नंदकिशोर जी, आपका सबसे पहले तो इस एपिसोड में स्वागत है, बहुत बहुत। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार देश में दो नए, हमें जो देखने को मिला संयुक्त राष्ट्र के बाद, कि दो देशों ने हमारा कड़ा विरोध किया है इस बार, और हमारे नए दुश्मनों की तरह सामने आए हैं। क्योंकि तुर्की ने तो दो नए युद्ध पोत भी पाकिस्तान के लिए बनाने स्टार्ट कर दिए, उनके खुद से राष्ट्रपति ने उसका उद्घाटन किया वहाँ पर, और दो नए युद्ध पोत ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर बनाएंगे, जो कि अत्याधुनिक हैं, और जिसका हमें पता है कि अगर पाकिस्तान अगर इस्तेमाल करेगा तो भारत के खिलाफ ही करेगा। और मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भी उसको सही बताया, जो कश्मीर में मोदी जी हमारी जो सरकार ने की है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? कश्मीर का एक मुद्दा ऐसा है जो पिछले 1948 से हमारी कमजोरियों के कारण या सही ढंग से पेश ना करने का एक मुद्दा बन गया। कारण केवल इतना ही था कि कश्मीर पिछले 700-800 साल के अंदर धीरे धीरे उसका श्रीनगर और उसके आसपास का इलाका, क्योंकि कश्मीर का मतलब जम्मू कश्मीर लद्दाख था, लद्दाख की प्रॉब्लम केवल एक थोड़े से हिस्से में कारगिल के आसपास थी, जम्मू को भी धीरे धीरे उस समस्या की ओर धकेला गया। परंतु मैं समझता हूँ कश्मीर का जो इस्लामीकरण हुआ 12वीं-13वीं शताब्दी की और उसके बाद, उसके अंदर उसमें कट्टरपन आया, और शासक हिंदू थे, मर्जर प्रॉपर हुआ, सब कुछ हुआ, परंतु यूएनओ में हम लेके गए तो यूएनओ का जो आज भी रेजोल्यूशन है उसमें कहीं भी हम कमज़ोर नहीं है। क्या कहा उन्होंने, पूरे के पूरे कश्मीर में, जिसका आज लगभग 48% हिस्सा पाकिस्तान और पाकिस्तान ने कुछ हिस्सा चीन को दे दिया, उस समेत पहले एक व्यवस्था बने, फिर उसके अंदर कोई सो कॉल्ड रेफरेंडम हो। हम कह रहे हैं हमारा रेफरेंडम तो इतने बार चुनाव लोकसभा के 16 बार हुए हैं, विधानसभा हुए हैं, और इस बार तो पंचायत तक हुए हैं। उसके बावजूद हमने 370 धारा हटाकर 35A हटाकर भारत के अंदर उसका जो थोड़ा बहुत कोई डिफरेंस था कहीं लोगों के मन में, उसको दूर कर दिया, और आज पूरी तरह कश्मीर, जम्मू, लद्दाख भारत के हिस्से हैं। पूरे विश्व ने, अपवाद तो पाकिस्तान रहेगा, चीन का, क्योंकि पाकिस्तान आज उसका मोहरा है, और चीन की सपोर्ट के कारण थोड़ा बहुत जो आप बता रहे हैं टर्की और मलेशिया, जबकि वो इस्लाम के लिबरल फेस माने जाते हैं, मलेशिया भी और टर्की भी। टर्की के अंदर ही खलीफा हटाया गया था, जिसके कारण से महात्मा गांधी ने उसके विरोध में खिलाफत आंदोलन शुरू किया था, और जिसके कारण से केरल में मल्लापुरम जैसे ज़िले बन गए जो मुस्लिम बाहुल हैं। वो गलतियां हुई, ये बड़े लोगों की छोटी गलतियां भी बड़े रिजल्ट्स देती हैं। तो टर्की एक लिबरल फेस माना जाता है, टर्की एक यूरोप से बिल्कुल ये हिस्सा ही माना जाता है, और मलेशिया भी आज भी वहाँ नामों के अंदर, या मेरा कोई छोटा भाई कहना तो कहते हैं मेरा लक्ष्मण है, रामायण का प्रभाव है, मलेशिया मलई है, और उसके अंदर हमारे मूल रूप से कभी हमारा ये मानसिक सांस्कृतिक भारत का हिस्सा रहा है। मलेशिया के लोग आज भी जब मलय, तो मलेशिया नाम तो इसलिए था सिंगापुर पर नहीं मिले थे, एक बार वो अलग भी हो गए। मैं नहीं समझता इसका कोई बहुत बड़ा रिप्रिकॉशन, और परंतु भारतीयों को मैं हर भारतीय से अपील करूँगा कि वो जब घूमने जाते हैं, एज टूरिस्ट भी जाते हैं और वहाँ से जो सामान खरीदते हैं, मलेशिया के डेस्टिनेशन को थोड़ा सबक देना चाहिए हमें, हमारे अंदर भी तो राष्ट्रवाद जगना चाहिए। सरकार का रोल कम, अगर 2018 में देखें तो लगभग 5 लाख हमारे, लगभग 4.5 से 5 लाख के करीब हमारे हमारे जो हिंदुस्तानी हैं उन्होंने विजिट किया, घूमने के पर्पज़ से वहाँ गए, और इस साल जो उन्होंने जो टिकट वगैरह और जो
वो देते हैं अपने प्रावधान में कुछ यात्रियों को सस्ती टिकट देते हैं, तो इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8 लाख भारतीय जो है मलेशिया जाएंगे, और जबकि हमारे भारतीयों ने वहाँ IT सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग में काफ़ी वहाँ मदद की है। आप इस्कॉन का अगर एग्ज़ाम्पल लें तो रेलवे में काफ़ी हमारे सरकार ने उनकी काफ़ी मदद की है उनकी रेलवे लाइन को। मगर हमारा जो मलेशिया में मानता हूँ सांस्कृतिक भारत का एक एक्सटेंशन रही है, और भारतीयों को एक सबक देने के लिए 2019-20 में जिन लोगों ने प्लान भी किए हों विजिट, उनको थोड़ा सबक देना चाहिए मलेशिया को, क्योंकि मलेशिया हमेशा इस्लाम का, क्योंकि जितना साउथ ईस्ट एशिया है उस पर कट्टरपन इस्लाम हावी नहीं हुआ बांग्लादेश से ऊपर तक, परंतु ये आज भी उनके बहुत बुजुर्ग प्रधानमंत्री हैं, भ्रष्टाचार के विरोध में आए हैं, और मैं नहीं समझता इसका बहुत बड़ा, और हमने भी भारत सरकार उसको जरा सा भी अपना यदि हम दिखाएंगे कि साउथ ईस्ट एशिया में चाइना सबको हड़प कर जाएगा, और चाइना एक ड्रैगन जिसको बोलते हैं उससे बचाव भी हमारा भारत ही इन देशों को कर सकता है, वियतनाम, कोरिया, जापान, ये सब इन चीज़ों को समझते हैं, फिलीपींस और मलेशिया भी समझता है। मैं समझता हूँ कि छोटी मोटी जो कहीं चूक हुई है उनसे वो उसको दुरुस्त करेंगे, और भारत आज पूरे विश्व में अपनी हैसियत है हमारी, और हमें इग्नोर करके, और पाकिस्तान हमारे सामने दो युद्धपोत बना भी देगा, कितने साल में बनते हैं युद्धपोत बनाने में 4-5 साल लगते हैं, बन भी जाएंगे तो हमारी नेवी के सामने कोई ठहरते नहीं है, और इनकी चीज़ों की कोई हमारा पाकिस्तान सैनिक कारणों से हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, वो तो छद्म वेश में छिपे हुए आतंकवादियों के माध्यम से दुखी करने की कोशिश करता रहा है, करने की फिर कोशिश करेगा। आज भी मैंने अभी सुना है दिल्ली में 3-4 आतंकवादी घुसे और सर्च जारी है, परंतु भारत आज सक्षम है, नरेंद्र मोदी के एक सक्षम नेतृत्व है जिसने विदेशों के अंदर भारत की शान को बढ़ाया है, और इस्लामिक देश सऊदी अरब भी, कल भी अन्य से हमारे अजीत डोवाल गए हैं, सऊदी अरब जो सबसे मक्का मदीने का देश है 100% इस्लामिक है, वो सब लोग आज भारत के साथ खड़े हैं, उनके व्यापारिक हित भी हमारे साथ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जब रशिया गए थे तो मोदी जी की मुलाकात हुई थी मलेशियन प्रेसिडेंट के साथ, तो उसके बावजूद भी ये मुद्दा कश्मीर की उसके बारे में चर्चा हुई थी, उन्होंने फिर भी उसके बावजूद भी ये मुद्दा उठाया। उनका इस्लाम को मानने वालों के अंदर की भावना वो रहेगी, इसमें कोई बुराई नहीं है, आखिर वो 60-65-70 जो देश हैं उनके पास पेट्रो डॉलर्स के, परंतु आपस के जो उनके झगड़े हैं, आज भी ईरान और सऊदी अरब का जो झगड़ा है, इराक के अंदर शिया सुन्नी का झगड़ा है, अफगानिस्तान उबल रहा है, आज भी अफगानिस्तान के NSA ने क्या कहा है कि ये जितना तालिबान है ये सब पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड हैं, तो वो स्थिति रहेगी, कंट्राडिक्शन रहेंगी, परंतु भारत किसी के रहमो करम पर नहीं है, मलेशिया को हमसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिस दिन भारतीय तय कर लें मलेशिया नहीं जाएंगे तो उनकी इकॉनमी बैठेगी, और टर्की के अंदर भी हमें भारत के लोग तो ना जो डेस्टिनेशन मैरिज में भी पीछे टर्की तक गए हैं, नहीं जाना चाहिए, जो देश हमको जैसा व्यवहार करेगा। अभी टिकट काफ़ी सस्ती कर दी, 30-32 हाँ तो लालच दे रहे हैं ना, पर हम मित्र देशों में जाएंगे जो हमारे साथ हैं उसमें जाना चाहिए, और जो हमारा विरोध करते हैं उनको हम आर्थिक रूप से उनको हमें चोट पहुँचानी चाहिए, चाहे चीन हो, चाहे टर्की हो, चाहे मलेशिया हो, चीन का सामान ना खरीदें लोग, दिवाली आ गई है, फेस्टिव सीजन है, चीन के ब्रांडों से परहेज करें, चीन से बने हुए सामान को, हर भारतीय का ये मैं समझता हूँ नैतिक कर्तव्य होना चाहिए, उसकी राष्ट्रभक्ति उसके अंदर जगनी चाहिए, और व्यापारियों से भी अनुरोध है कि वो चीन से सामान ना मंगाएं, घटिया सामान है, भारत को आर्थिक रूप से तंग करने वाली साजिशकर्ताओं को हम क्यों लाभ पहुँचाएं, दुश्मनों को मजबूत बनाना मतलब है उनका साथ देना, और हर भारतीय का कर्तव्य है, धर्म है कि वो भारत को मजबूत होने वाली सब चीज़ों के बारे में सोचे, वही काम करे। वैसे वहाँ संयुक्त राष्ट्र महासम्मेलन में मोदी जी ने साइप्रस, आर्मेनिया और ग्रीस के जो प्रधानमंत्री से वहाँ मुलाकात की, उनको आर्थिक और जो मदद भी दी, मदद की बात की, और क्योंकि वो तुर्की के साथ उनके अच्छे संबंध नहीं है, और उन्हीं कहीं ना कहीं तुर्की ने उनको कुछ काश किया है। आज मैं समझता हूँ राजेश जी, नरेंद्र मोदी चाणक्य को खूब उन्होंने पढ़ा है, और चाणक्य ने जो कहा था जैसे को तैसा, यदि आज हम रशिया के उस पिछड़े हिस्से में मदद आर्थिक दी है जो चीन के नज़दीक और बहुत पिछड़ा है, तो कभी रशिया से मदद लिया करते, अब आर्थिक हमने उसको मदद दी उस हिस्से की, जैसे आपने बताया साइप्रस, और हर देश के अपने अपने हित होने चाहिए, और जिसका एक दूसरे से
टकराव है, यदि दुश्मन का जो दुश्मन है उससे हमें मित्रता करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, यही कूटनीति है, यही चाणक्य ने 2500 साल पहले में बताया है। और मोदी जी को राष्ट्रहित देश हित सर्वोपरि है, उसके लिए कोई ऐसी काम उनके सामने होता हुआ होगा तो उसे वो रोकने के लिए सक्षम भी हैं और करेंगे। क्योंकि आपके काफ़ी साथी रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, अभी आप निर्मला सीतारमण जी से भी समय समय पर मिलते रहते हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं, जब ये अभी पॉलिसी अभी आने के बाद जो पॉलिसी बनी आप भी काफ़ी इसमें चर्चा में रहते हैं, हालांकि आप अभी कोई पद नहीं ले रहे हैं अभी इस समय, लेकिन जब ये अभी नीति आने वाले समय में क्या हमारे जो ये वीडियो देख रहे हैं इस माध्यम से आप कहना चाहें कि आने वाले समय में इनको जो है सबक सिखाने के लिए कि अब पूरी तरह से हमें इस बार आने वाले साल में एक तो टूरिस्ट के जरिए और बाकी जो उत्पाद हम वहाँ से खरीदते हैं पाम ऑयल पर, हालांकि 5% अभी ड्यूटी लगाई है सरकार ने, वो काफ़ी कम है, बाकी आने वाले उत्पाद से अगर बाकी इनसे ड्यूटी हम पूरी लगा देंगे तो आपका क्या कहना है, ये पॉलिसी जो है हम किस तरह इसका जवाब हम कितनी जल्दी देंगे? मतलब इसका जवाब, हर चीज़ का जवाब दिया जाता है समय के अनुसार, और नीतियाँ बदलने में भी समय लगता है, परंतु भारत का हित जिस चीज़ में, ये सरकार भी देखे परंतु आम जन भी इसको देखे, हर सिटीजन का भी कर्तव्य है। और मैं सभी व्यूअर से फिर अनुरोध करूँगा, भारत में कोई 2% 5% महंगी चीज़ भी हो, भारत में बनी हुई हो, उसका प्रयोग करें। पाम ऑयल में कोई ताकत नहीं होती, सरसों का तेल, तिल का तेल, मूँगफली का तेल भारत में खूब है, कोई शॉर्टेज नहीं है, उसका प्रयोग बढ़ाएँ। और हलवाई भाइयों से, खासतौर पे जो छोटा काम करते हैं, वो सस्ते के चक्कर में पाम ऑयल और दूसरे तेल जो लेते हैं, कृपया करके ना लें, अपने चीज़ को थोड़ा महंगा बनेगी, महंगा बेचें, परंतु राष्ट्र भाव को जगाएं। उसके सिवाय देश एक प्रधानमंत्री मजबूत नहीं कर सकता, 130 करोड़ लोग सोचेंगे तो देश मजबूत भी होगा, आगे भी बढ़ेगा, और हमारे अंदर पोटेंशियल है, क्षमताएँ हैं। भारत के लोग आज 100 देशों में बसते हैं, भारत को इग्नोर नहीं कर सकता कोई, कि भारत शक्तिशाली होगा तो विश्व शांति की गारंटी है, भारत कमज़ोर होगा तो आतंकवाद का बढ़ने की संभावनाएं पूरे विश्व में हैं। भारत बुद्ध का देश है, गांधी का देश है, अहिंसा वाले हैं, परंतु हमारी अहिंसा वो नहीं है जो एक गाल कर दिया तो दूसरा भी करे। वैसे रशिया ने आते इस वक्तव्य के आने के बाद एक कड़ा संदेश तुर्की को दिया कि कुछ कड़े फैसले रशिया ले सकता है, और शायद जो S-400 मिसाइलें और बाकी कुछ अन्य वेपन भी खरीदे हैं रशिया, उन पर पुनः विचार करने की बात कर रहे हैं, तो आप क्या लगते हैं कि रशिया ने एक यह अच्छा कदम उठाया भारत को लेकर? रशिया हमारा एक, मैं समझ, शाश्वत मित्र रहा है, बीच में थोड़ी थी, परंतु अमेरिका और रशिया के अंदर से कोल्ड वार रहा है, चाइना और रशिया में भी एक अंदर से खिंचाव रहेगा, स्वाभाविक है। भारत एक ऐसा देश है जिसका खिंचाव किसी से नहीं है, केवल सीमावर्ती हमारे ये दो देशों को छोड़, बाकी इंटरनेशनली हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं। पाकिस्तान का झगड़ा भी इसलिए कि पाकिस्तान हमारे से टूट के बना हुआ है, हमारे से नफरत उसका आधार है, हमसे वो नफरत छोड़ देगा तो ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म उसको होना है, 4 हिस्से हों, 5 हों, 6 हों, भारत एक आर्टिफिशियल आइडेंटिटी है पाकिस्तान। पाकिस्तान केवल इस्लाम के कारण बना, परंतु वो ट्रेडिशनली, वहाँ के लोग भी आज राजा दाहिर को अच्छा बताते हैं, 5000 साल पुरानी अपनी सभ्यता और संस्कृति पे भी गर्व करने लग गए हैं पाकिस्तान के लोग। सर गंगाराम के आज भी वो प्रशंसा करते हैं कि गंगाराम ने हमें हॉस्पिटल भी दिया, नहरें भी दी, बिजली भी दी। मैं समझता हूँ वहाँ भी परिवर्तन चल रहा है, और ये जो ऑर्थोडॉक्स हैं, जो बहुत बड़ी दाढ़ी वाले, नीचा कुर्ता और ऊँचे पजामे वाली जो एक सोच है, विकृत मानसिकता है, वो इस्लाम को एक उसी नज़रिए से देखना चाह रहे हैं। भारत में भी ऐसे लोग हैं, परंतु वो धीरे धीरे उनकी समझ आनी चाहिए, लिबरल होकर ही इस्लाम भी जीवित रहेगा। मोहम्मद साहब ने ये कहा था, सब प्रेम से रहें, भाईचारे से रहें, परंतु वो अपने अपने ढंग से आयतों का, पाकिस्तान कई बार मुद्दे उठाता रहता कि भाई अरेबियन कंट्रीज़ भी इसीलिए मदद कर रहे हैं कि उनके व्यापारिक रिश्ते हैं, इसलिए हमारे तो मदद नहीं दे रहा। तो अब मतलब अब सबको समझ आ चुका है कि विकास ही जो है मेन है, चाहे मुस्लिम समाज भी हो, कि विकास पर चलेंगे तो उसी में सभी का भला है। आज कोई सा भी देश, जो वेस्ट एशिया जिसको कहते हैं या मध्य देश, आज रशिया से अलग हुए 14 देश हैं, मुस्लिम इस्लामी 2-3 को छोड़ के, परंतु सबसे हमारे संबंध अच्छे हैं, बहरीन से अच्छे हैं, UAE से अच्छे हैं, कुवैत से अच्छे हैं, मिस्र से ठीक ठाक हैं, कोई हमारे खिलाफ तो नहीं बोला, जॉर्डन
का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री की गाड़ी स्वयं चला के लेके जाए, इसराइल से संबंध अच्छे होने के बावजूद जॉर्डन से भी अच्छे हैं, हम कह रहे हैं हमारा कोई दुश्मन नहीं, परंतु हमसे जो दुश्मनी रखेगा उसको हम छोड़ेंगे, ये प्रधानमंत्री घोषित नीति। इमरान खान ने आते ही एयरपोर्ट पर कहा, आपने जब लोगों को संबोधित किया कि कोई हमारा साथ दे ना दे लेकिन हम कश्मीर में कश्मीरों का साथ देंगे, तो उन्होंने पूरी तरह से हार एक्सेप्ट की। और इस समय कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि तख्ता पलट की शायद बातें हो रही हैं, तो पूरी तरह से मोदी जी ने जो है कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया, कोई किसी ने उनका साथ नहीं दिया, तो आप इन्हीं दोनों मुद्दों पर क्या कहोगे कि सरकार की एक तो ये जीत हुई है पूरे वर्ल्ड में सभी को, एक दो देशों को लेकर छोड़कर, और जो पाकिस्तान में अब तख्ता पलट की बात कर रहे हैं, तो ये कितना हिंदुस्तान के लिए नुकसानदेह है? मैं समझता हूँ पाकिस्तान स्टेबल रहे, पड़ोसी खुशहाल रहे, वो अपना उनका आर्थिक रूप से वो ध्यान दें अपने अंदर, क्योंकि वो जितना ही कम गरीब हो जाएंगे उतना हमें भी दिक्कत डालेंगे, इसलिए पाकिस्तान खुशहाल रहे भारत के हित में, भारत से मित्रवत रहेगा तो उसका हित है, भारत से सामान जितना सस्ता जितना जल्दी भारत दे सकता है उतना कोई दूसरा नहीं दे सकता, इसलिए पाकिस्तान की भी समझ में आनी चाहिए। और इमरान खान एक वो है कठपुतली है, सेनाओं का वर्चस्व, सेना वहाँ व्यापार भी करती है, सेनाओं के पास वहाँ अथा, और सेनाओं के अंदर भी पंजाबी वर्चस्व है, बलूची सिंधी बाकी जो लोग हैं वो सेनाओं से वो भी दुखी हैं, इसलिए पाकिस्तान में मैं कह रहा हूँ एक आर्टिफिशियल आइडेंटिटी है, केवल इस्लाम उनको जोड़ेगा तो फिर बांग्लादेश अलग क्यों हुआ था, वो तो इससे भी पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ थी, और आज भी शेख हसीना और हमारे संबंध अनुकूल है, जबकि बांग्लादेश से घुसपैठ ही आते हैं, हमें उनको रोकने की कोशिश करें, परंतु बांग्लादेश को हम बिजली दे रहे हैं, वो हमें कुछ चीज़ें दे रहा है, अब जूट वहाँ से आएगा, आखिर हम प्लास्टिक पर पाबंदी लगा रहे हैं, तो बांग्लादेश अनुकूल हो गया, तो ये नेपाल चीन के थोड़े कब उसमें आ गए प्रभाव में, पाकिस्तान मैं समझता हूँ ये प्रभाव भी हमारा प्रभाव बढ़ेगा तो चीन का प्रभाव अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाएगा, आखिर चीन एक बड़ा देश है, बड़ी सेनाएं हैं, आर्थिक रूप से सक्षम हैं, हम किसी से टकराव नहीं चाहते, अगले महीने आ रहे हैं चीन के राष्ट्रपति, भारत नरेंद्र मोदी सबको अपने अनुकूल रखने की क्षमता रखते हैं, और उसके लिए मैं समझता हूँ आज भगवान कृष्ण और चाणक्य को जितना उन्होंने पढ़ा और समझा है, दो एक ऐसे मैं हमारे आदि पुरुष कह सकता हूँ उनको कि जिनसे सब कुछ सीखा जा सकता है, और टर्की का ही राष्ट्रपति जब भारत आया तो उसने कहा था जब मुझे कोई दिक्कत होती है तो मैं गीता पढ़ता हूँ और गीता मुझे रास्ता देती है, पूर्व वाले राष्ट्रपति। एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान मीडिया के पास अब और कोई मुद्दा नहीं है सिवाय कश्मीर मुद्दे पर, हर रोज़ जितने भी चैनल्स हैं वो कश्मीर मुद्दे पर ही बात करते हैं क्योंकि उनकी TRP उसी से चल रही है, और पाकिस्तान के जितने नेता भी हैं उन्हीं की भी जो बातें हैं कश्मीर को लेकर, तो आप क्या कहेंगे कि ये क्योंकि हम जो कर रहे हैं हमने तो जो करना था कर दिया, ये पाकिस्तान का ये कश्मीर का राग अलापना और कितने दिन तक आपके हिसाब से जारी रहेगा, और कश्मीर के लोग अभी धीरे धीरे ये हमारे जो अंदर जो कर्फ्यू लगा हुआ है धीरे धीरे कितने समय में नॉर्मलसी हमारी सरकार से ले बिल्कुल हट चुका है, लैंडलाइन बिल्कुल चालू है, अफवाहें फैलाने वालों को रोकने के लिए केवल इंटरनेट इत्यादि पर, वो भी मैं समझता हूँ थोड़ी जम्मू में के हिस्से में चालू हो गया, कल सब वो लोग भी छूट गए हैं जो थोड़े बहुत सो कॉल्ड बंद थे, परंतु तो कश्मीर के अंदर अभी 3-4 महीने मुझे लगता है कम से कम और लगेंगे, जब वहाँ विकास शुरू हो गया है, सेब उनका फसल तैयार है, सेब बिकेगी, सरकार खुद खरीदेगी, कश्मीर के लोग भी समझदार लोग हैं, उन्हें सबको याद है कि हम पहले आज भी भट्ट है तो भट्ट है, अपने उनको गोत्र याद है, वो भी सब ये याद है कि हम भी कश्मीर के मूल रूप से ब्राह्मण थे, अब वो दिन आएगा, बहुत देर नहीं बहुत जल्दी आएगा कि लद्दाख पीसफुल है, जम्मू लगभग पीसफुल है, कश्मीर का भी जो श्रीनगर के नज़दीक के जो 30-40 किलोमीटर के हिस्से में उसके अंदर भी गुजर और दूसरे जो भेड़ चराने वाले बाकी जो लोग इस्लाम को भी मानते हैं वो लोग बिल्कुल भारत के 100% सरकार शायद इस तैयारी में के नए लीडर अब उभर के आएंगे अभी अगला जब चुनाव होगा डिलिमिटेशन के नई लीडरशिप आएगी कश्मीर के अंदर, और कश्मीर हमारा था हमारा है, और मोदी जी ने जो आज किया है उसको पूरे विश्व से मान्यता मिली है, उनको और ताकत भगवान दे लोग भी दें, और आने वाले चुनाव में भी मैं वोटर्स अपील करता हूँ, हम दिल्ली में बैठे हैं जो हरियाणा का ही आधा प्रभाव है उसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में हरियाणा में भाजपा को विजय बनाए, जितना भाजपा स्ट्रांग होगी उतना भारत स्ट्रांग होगा।
और भारत स्ट्रांग हुआ तो पूरे विश्व की कल्याण की बात करने वाले, परिवार की बात करने वाले, परिवार मानने वाले, केवल हम भारतवासी हैं, बाकी लोग बाजार मानते हैं या अपना अपना राग अलापते हैं, हम पूरे विश्व को कुटुंब मानकर सबका भला चाहते हैं और भला चाहने वाले का भगवान भी भला करता है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे अंत में चाहूँगा कि एक सवाल का जवाब, क्या दिवाली नज़दीक है, क्या पाकिस्तान इस दिवाली पर आप क्या कह सकते हैं कि इस बार दिवाली के हमारे इस पर शायद कुछ ऐसा कुछ संदेश हम दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, दिवाली तक भी कुछ अच्छी खबर पाकिस्तान, क्योंकि अब उसने हर मुद्दे तो अपना लिया, अब सब में वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जरूर से ज़्यादा उसको हम अहमियत ना दें। 23% हिंदू थे जो दिवाली मनाते थे और बाकी भी चुपचाप भगवान राम को बड़ा कहने वाले थे, इकबाल साहब भी इमामों के इमाम, आज वो 3% रह गए, प्रोसिक्यूशन किया गया, वो इस्लाम के अंदर भी उन्होंने जो कादियानों को निकाल दिया है, शियाओं को वो पूरा इस्लाम नहीं मानते, वो एक एक बहुत ही अजीब किस्म का देश है जो आपस के कंट्राडिक्शन से भरा हुआ है और कंट्राडिक्शन से ही वो टूटेगा। इस दिवाली से तक नहीं तो अगली दिवाली तक पाकिस्तान के निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि सिंध और बलूचिस्तान बगावत होगी बहुत बड़ी, भारत से गए हुए जो मुहाजिर थे उनको भी वहाँ सेकेंड दर्जे का नागरिक रखा गया, वो सब लोग खड़े होंगे और सिंध और बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान और वो सब, अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा भारत और पाकिस्तान अमेरिका के लिए, और मैं समझता हूँ इसमें रूस भी समझदारी से काम लेगा। इस्लाम का कट्टरपन बढ़ना, चीन ने सारे मुसलमानों को दबा के रखा हुआ है अपने दो प्रांतों, वहाँ पाकिस्तान बोलने की हिम्मत नहीं करता ना, वहाँ किसी को दाढ़ी रखने का अधिकार नहीं, नमाज पढ़ने चीन के अंदर, परंतु शक्ति सर्वत्र पूज्य थे, चीन शक्तिशाली है इसलिए पाकिस्तान चुप है, हम थोड़ा और शक्तिशाली बनेंगे तो चुप होगा और छोटे भाई की तरह रहे ना प्यार से। और अंत में लास्ट में जो मेन हमारा मुद्दा था जिस पर आज हमने आपसे बातचीत की, तुर्की और मलेशिया, तो जो उनको इस बार हम हमारे जो भारतीय हैं एक लास्ट में चाहेंगे, उनको आप क्या कहेंगे? मैं उनको उन भारतीयों को से ही अपील करूंगा, मालदीव हमसे छिटका था, चीन के प्रभाव में गया था, वापस आया, आज वो शांति से प्रोग्रेस कर रहे हैं। मलेशिया और तुर्की ने जो थोड़ी बहुत जो हिमाकत करने की कोशिश की है, भारत की जरा सी आंख दिखाने से ही वो ठीक होंगे, परंतु भारतवासी इस बार 8 लाख भारतीय, अगर 1 लाख ही भारतीय गए तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी अच्छा। मैं तो कह रहा हूँ पिछली बार से 1 लाख कम तो हूँ, कम से कम मैं एकदम बहुत बड़ा टारगेट नहीं दे रहा, जिसके भी भारतीय जाएँ वहाँ कोई खर्चा ज़्यादा ना करें, घूमने के लिए सिंगापुर बहुत है, इंडोनेशिया जाएँ, बांग्लादेश जाएँ और बहुत देश हैं घूमने के लिए, परंतु जो हमसे दुश्मनी करे उसके ना कोई सामान खरीदें ना उससे कोई ज़्यादा वो ताल्लुकात रखें, तैसे को तैसा रखने की जो सोच है वो आवश्यक है और उसके ऊपर हर भारतीय को अब चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, विचार करने के बाद अपने निर्णय लेने चाहिए कि हम भारत को कमजोर करने वाली कोई भी शक्ति साजिश को विफल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नंद किशोर जी हमसे बात करने के लिए, और ऐसे ही एक नए मुद्दे के साथ स्टेशन दिल्ली के नए एपिसोड में हम आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नंद किशोर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।